जैसे कि सबको पता है कि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, और सर्दियों में जो सबसे बड़ा मसला होता है वो होते हैं स्किन का डैमेज हो जाना, मतलब खुश्क होके ना पट जाना। तो कुछ इस पर पेट्रोलियम जेली यूज़ करती हैं ख़वातीन, आदमी भी कुछ, क्या कुछ लोशन वगैरह। अच्छा, जितना आप लोशन यूज़ करते हो ना, तो उससे वक्ती तौर पर थोड़ा सा तो होता है, लेकिन वो फिर फट जाते हैं। अब जो इस ये जो मेन वजह होती है ना, अच्छा मैं ये जो बात कर रही हूँ ना, ये मैं अपने तजर्बे वाली बता रही हूँ। हो सकते तुम लोगों के साथ इस तरह ना हुआ हो, लेकिन जो मेरे साथ हुआ, जो साबुन होते हैं ना, जो साबुन यूज करते हैं, फेस वॉश यूज करते हैं ना, उनकी स्किन बहुत ज्यादा खुश्क हो जाती है सर्दियों में। तो वो तो चूंकि उनके तो कंटिन्यूटी जारी रहती है, वो तो सर्दियों में भी इस तरह करते हैं। अब सर्दियों जो मैं यूज करती हूँ ना, मैं तो कभी भी फेस वॉश, और अव्वल तो मैं सिर्फ पानी से चेहरा धोती हूँ, लेकिन अगर मैं यूज करती हूँ ना, तो फिर वो करती हूँ क्लीजिंग मिल्क। सर्दियों में फेस वॉश का, चाहे वो आदमी हो या चाहे वो औरत हो, अगर आप चाहते हो ना कि आपकी स्किन जो है तो वो खुश्क ना रहे, तो आप फेस के लिए क्लीजिंग मिल्क यूज करो। अब क्लीजिंग मिल्क तो बाजार में कई किस्म के अवेलेबल है, एक से अच्छा एक, लेकिन अगर बिलफर्ज नहीं आपके पास, तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, आप थोड़ा सा दूध ले लो। दूध इसके आप लोगों को बहुत से लोग टोटके बता रहे थे, दूध में ये करो दूध में, लेकिन मैं आपको बहुत इजी और सिंपल सा टोटका बता रहा हूँ, और ये आप करके देखना, अगर आपकी स्किन पर फर्क ना पड़े ना, तो फिर आप मुझे बताएं। आप ये करके देखो और फिर ना मुझे कमेंट्स में बताइएगा भी। मिल्क लेके ना दूध, उसमें थोड़ा सा जो ये होते हैं ना, ये आटा जिससे हम रोटियां पकाते हैं, थोड़ा सा आटा उसमें, मिल्क में थोड़ा सा आटा, मतलब इस तरह की, मतलब वो मिल्क के, मतलब वो लोशन जो है ना, मतलब सख्त सा लोशन नहीं, बिल्कुल मतलब स्मूथ लोशन, उससे फिर आप अपने चेहरे का मसाज करें, उसके बाद धो ले और तौलिए से उसको यूं यूं करके ना सुखा ले, लेकिन उसके बाद आपने साबुन यूज, आप दो तीन दफ़ा करके देख लें, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि स्किन आपके कितना सॉफ्ट हो गया, और उसके वो जो खुश्क पन जो होता है ना, वो ख़त्म हो गया। इसके अलावा जब आप रात को सोते हो ना, तो बिल्कुल हल्की थोड़ी सी वो जो ग्लिसरीन होती है ना, ग्लिसरीन कहते हैं ऐसी ग्लिसरीन, तो आप जो भी लोशन यूज़ करके उसमें थोड़ा सा मिला लिया करें, उससे भी आपकी जो स्किन होती है बहुत सॉफ्ट और स्मूथ रहेगी। लेकिन जो क्लीजिंग मिल्क वाले, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये तो मैंने खुद भी करती हूँ। वैसे तो मैं अपनी आसानी के लिए, चूँकि आप हर कोई आसानी देखते हैं ना, तो आप दूध लेते हो उसमें, फिर उसमें मिलाते हो आटा, तो ये थोड़ा सा मतलब बुरशाने में आना जाना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। आसानी का तो ये होता है कि आप क्लीजिंग मिल्क, मतलब मैंने अपने आसानी के लिए जो लिया क्लीजिंग मिल्क लेकर, तो मैंने उधर बाथरूम में रखा था, और जाके तो बस उसी से फेस वॉश करती हूँ। लेकिन अगर मेरे क्लीजिंग मिल्क ख़त्म हो जाए, तो फिर मैं ये इसी तरह कर लेती हूँ कि मैं थोड़ा सा मिल्क लेकर ना, तो उसमें थोड़ा सा आटा करके, तो उसे तो आप ये करो, आपको लाजमन फ़र्क महसूस होगा, ना हुआ तो फिर मुझे कहना। इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन दबाओ, और शेयर करो, कमेंट्स करो, और क्या करने, और अपना ख्याल रखो।